आज छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम वो जारी हो चुका है और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला से 10वीं क्लास में जो सेकंड नंबर प्राप्त करने वाले हमारे साथ प्रशंसा राजपूत हैं, क्या कुछ कहेंगे आइए आपसे मिलाते हैं। जी प्रशंसा जी, पहले तो आप आर्जन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये जो आपको छत्तीसगढ़ स्थान मतलब छत्तीसगढ़ के 10वीं में जो सेकंड स्थान प्राप्त किया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड भी फील हो रहा है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर इनको लेके? और सबसे पहले तो इस अचीवमेंट के लिए मैं अपने मम्मी और अपने पापा को थैंक्स बोलना चाहूंगी और मेरे साथ ही साथ मेरे टीचर्स और मेरे क्लासमेट्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गाइड भी किया, हेल्प भी किया और जो भी मैं उनसे डाउट पूछती थी उनको मेरा हर डाउट क्लियर करते थे मेरे टीचर्स, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। पढ़ाई के साथ साथ प्रशंसा जो खेल कूद के क्षेत्र में भी काफी अच्छी है, तो जानेंगे क्या किस खेल में कहां तक गई जी? मेरा इंटरेस्ट मार्शल आर्ट्स में है, तो मैं कूडो में गई थी नेशनल लेवल पे मध्य प्रदेश सागर में, वहाँ और उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया। तो प्रशंसा के साथ साथ उनकी मम्मी भी हमारे साथ हैं, जाएंगे वो एक शिक्षिका और शिक्षिका लोग लेके अपनी बेटी को क्या कुछ शिक्षा दिए उनको भी बात कर रहे हैं। जी बताइए। एक स्टूडेंट की तरह ही इसको ट्रीट करी हूँ, जैसे अपने स्कूल में सभी बच्चों को ट्रीट करती हूँ वैसे ही इसको शिकायत रहती है कि मम्मी आप हमेशा टीचर ही बने रहते करके, और इसको समय समय पे गाइड करती रही हूँ। और सबसे क्या बोलते हैं प्रमुख यही बात कि आप टाइम मैनेजमेंट बना के यदि कुछ सोचते हैं कुछ करने का तो उसके लिए आप लगे रहेंगे, अभ्यास सतत अभ्यास से ही क्या बोलते सफलता मिलती है। तो उसमें ये लगभग 2 साल से आठवीं से ही अपना एम बना के चली थी कि 10th में मेरे को टॉप 10 में आना है करके, वो अपनी मेहनत से प्राप्त की। इस बार छत्तीसगढ़ के जो रिजल्ट है उसमें बेटियां काफी आगे, इनके लिए फिर क्या कुछ कहेंगे आप? बेटियां आगे आई हैं उसके लिए मेरे को बहुत खुशी है, और क्या बोलते हैं ऐसा है कि हम लोग लड़कियों को थोड़ा सा घर में रहने के लिए ज्यादा सलाह देते हैं कि आप घर में रहो ऐसे करके, तो हो सकता है उसका फायदा बेटियों को ज्यादा मिलता है कि वो लड़कों से आगे निकल जाती हैं और लड़के मानते नहीं है बात, उनको प्रयास किया जाता है कि आप भी ध्यान दो आप घर में रहो करके, लेकिन वो थोड़ा घूमने फिरने में टाइम वेस्ट कर देते हैं बॉयज जो है। तो चूंकि लड़कियां घर में रह के अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देती है, इसलिए सभी चीजों में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो जिस तरह देखें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के रिजल्ट में बेमेतरा में सेकंड स्थान प्राप्त करने की 10वीं की प्रशंसा जो छात्र हैं उनके पापा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं। जी भैया, आपकी बेटी सेकंड स्थान में प्राप्त की 10वीं में, क्या कुछ कहेंगे आप? अपने परिश्रम के द्वारा ही सेकंड पोजिशन में है। तो भविष्य के लिए इनके और क्या कुछ योजना है आप? अभी इनके ऊपर है जैसे ढंग से अपना भविष्य कर ले, पढ़ाई में किसी प्रकार के कोई कमी नहीं आने देंगे। तो प्रशंसा की पिताजी बोल रहे हैं कि भविष्य में लेके जो भी कुछ करना चाहते हैं हमारी बेटी वो कुछ कर सकती, हमारे तरफ से फुल उनको सपोर्ट किया जाता है। कि प्रशंसा फिर आपको लेके इसको क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके पिताजी आगे भविष्य लेके आपको बोल रहे हैं, तो भविष्य में क्या रहे? मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत हेल्प भी करते हैं, जो भी मेरी जरूरतें रहती हैं उसको पूरा करते हैं, चाहे वो बुक्स हो चाहे जो भी स्टेशनरी की जो सामान है वो सब मेरी जरूरतें पूरी होती हैं, और साथ ही साथ सपोर्ट भी करते हैं आज जिस फील्ड में मैं जाना चाहूँ और जो सब्जेक्ट लेना चाहूँ। भविष्य की विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए संदेश रहेगा कि वो अपना एक एम या फिर लक्ष्य तय करें और पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना तैयारी करें और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लूज ना करें। तो देखिए प्रशंसा भविष्य के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार संदेश दिए कि एक टाइम मैनेजमेंट करके ही पढ़ाई की और अपने लक्ष्य को हमेशा बना रहे। कैमरामैन दिनेश निषाद के साथ भूपेंद्र साव की रिपोर्ट।